फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। कोरोना वायरस ने जहां पूरे देश को घर में बंद रहने को मजबूर कर दिया है, उसी बीच पुलिस और कुछ वर्ग विशेष के लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी और देश की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए, लेकिन देश में आए दिन हमें ये सुनने को मिल रहा है कि उन पर हमला किया जा रहा है। जो लोग हमारी सुरक्षा में तैनात है उनसे गलत व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी ही एक भयावह खबर कल हमने आपको दी थी कि पंजाब में एक निहंग ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और वहां खड़े ASI हरिजीत सिंह पर तलवार से वार कर उनकी कलाई काट दी, जिससे उनकी कलाई शरीर से ही अलग हो गई। इस खबर ने न केवल पंजाब को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हालांकि आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि 7.5 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने ASI हरजीत सिंह की कलाई को वापस उनके शरीर से जोड़ दिया है। लेकिन अब खबर यह है कि यह आतंकी वारदात यहां तक ही नहीं थमी। आज फिर एक बार पंजाब के फरीदकोट में कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह पुलिसकर्मी एक नाके पर तैनात थे जिस वक्त उन पर हमला किया गया। फिलहाल अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों ये फायरिंग की गई और किसने की है। अब मेरा सवाल देश की जनता से यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस, मीडिया, सफाई कर्मचारी व अन्य सरकारी अफसर और सरकारी कर्मचारी जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए अपनी जान को दांव पे रखकर अपने परिवार से अलग रहकर इस महामारी से निपटने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग देश को इटली, अमेरिका और चाइना बनने से रोक रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देश के हर एक जने को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन्हें इन लोगों की इस मुश्किल घड़ी में सहायता करनी चाहिए, ना कि उन पर हमला। इस खबर में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।